नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। ICMR ने भारत में कार्यक्रम को लेकर कही बड़ी बात। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के फैलते असर को देखते हुए बंद के ऐलान के बाद अक्सर लोगों को सरकार के इस फैसले पर असहमति जताते हुए देखा गया है। वहीं इन सबके बीच ICMR ने हाल ही में भारत में जारी बंद का अपना बयान जारी दिया है, जिसके तहत ICMR ने कहा है कि अगर बंद ना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखा जाए तो एक कोरोना से प्रभावित व्यक्ति 30 दिन में लगभग 406 लोगों को कोरोना से प्रभावित कर सकता है, मगर लोगों में सामाजिक मेल मिलाप को 75% कम कर दिया जाए तो एक कोरोना से प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों में लगभग 2.5 लोगों को ही प्रभावित कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ICMR की उक्त रिपोर्ट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अचानक से बदले सुर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना सख्त रुख दिखाया था, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की मदद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल से गए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मोदी महान है और वो बहुत अच्छे नेता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोरोना के बीच चीन के वुहान शहर में 76 दिनों के बंद का हुआ समापन। 11 हफ्तों के बंद के बाद बीते दिन पहली बार ट्रेन फिर से वहां से रवाना की गई। चीन का वुहान वही शहर है जहां से कोरोना ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया था, जिसके बाद अब वहां की स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। वहीं यही कारण है कि 76 दिनों के बाद पहली बार लोगों को बाहर यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की वजह से चीन में 82,000 से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं उनमें से 3,300 लोगों ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। वहीं अब चीन की हालत भी सामान्य हो गई है, क्योंकि बीते दिन यहां कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया था। वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर हुए सर्वे में सामने आई बड़ी बात। कोरोना के कारण केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद दुनिया भर की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया था, क्योंकि सभी कंपनियों के पास वही आखिरी विकल्प बचा था जिससे वह अपनी कंपनी को भी बचा सके, साथ ही लोगों को राशि भी मुहैया करवाने में तकलीफ ना पहुंचे। सिर्फ आम कंपनियों ने नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम की तरजीह दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक 74% CFO मानते हैं कि बिना ऑफिस आए काम करने का नुस्खा उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम दे रहा है। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो इस व्यवस्था को स्थायी रूप से कारगर बनाना चाहती है, ताकि इसके उनके ऑफिस का खर्च भी कम आए और उनका मुनाफा भी होता रहे। इसके साथ ही लगभग 81% CFO ने यह भी कहा है कि वे भविष्य में वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को भर्ती करने का सोच विचार कर रहे हैं। बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक में कोरोना हॉटस्पॉट को लेकर हुई चर्चा। अब बंद की अवधि खत्म होने में मात्र 6 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी केंद्रीय मंत्री इस बात पर विचार विमर्श करने में व्यस्त है कि आखिर बंद की अवधि को आगे बढ़ाया जाए या कुछ क्षेत्रों में दोबारा से जिंदगी सामान्य तौर पर खोल दी जाए। इसके तहत ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस द्वारा उठाए जाने वाले कदमों और योजनाओं को तय करने के लिए मंत्रियों के एक समूह के साथ बैठक की है, जिसमें 14 अप्रैल को बंद को समाप्त करने या उसे आगे बढ़ाने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं आयोजित की गई बैठक में सरकार के सामने सबसे बड़े 2 सवाल आए हैं, जिनमें से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना साथ ही लोगों को सुरक्षित रखना शामिल है। हालांकि अभी इस बात पर कोई विचार विमर्श नहीं हो गया है, मगर जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए सोनिया गांधी ने दिया मोदी सरकार को 5 सुझाव। भारत में इस समय कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना के फैलते असर को कम किया जाए। वहीं इसी बीच कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए 5 अहम सुझाव दिए हैं, जिसके तहत सोनिया गांधी ने सांसदों की सैलरी में 30% कम करने के फैसले का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार द्वारा टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया को देने वाले सभी विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगाने की अपील की है। इसके साथ ही सरकार द्वारा सरकारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने का भी सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की यात्राएं रोकने से 393 करोड़ रुपए बच सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए किया जा सकता है। योगी सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा का किया ऐलान। अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मियों के लिए योगी सरकार ने अब अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते असर में भी पुलिसकर्मियों के काम करने के तरीके को देखते हुए 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने हाल ही में जारी की है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जल्द ही इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी कर देगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, अवस्थी ने मीडिया कर्मियों को भी मास्क पहनने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि अगर कोई मास्क का उपयोग नहीं करता देखा जाए तो उसे रोक दिया जाए। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसके रोकथाम में जुटी हुई है, वहीं बार बार सभी लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रही है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच इंडिगो ने लिया अहम फैसला। कोरोना के बढ़ते असर के बीच एयरलाइन इंडिगो ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत इंडिगो ने कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत 30 से अधिक राहत उड़ानों के निःशुल्क संचालन की प्रक्रिया का ऐलान किया है, जिसके तहत अब यह एयरलाइन कोरोना की इस परीक्षा में
सरकार द्वारा अपने विमान के भोजन और चिकित्सा उपकरणों को ले जाने की अनुमति देगी। इसकी जानकारी इंडिगो ने हाल ही में जारी करते हुए यह बताया है कि यह उड़ाने कंपनी द्वारा अपनी लागत पर संचालित की जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम कोरोना की इस परीक्षा में सरकार की हर संभव मदद करें। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया अपना 5T प्लान। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं दिल्ली उन शहरों में शुमार है जहां पर कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने अपने 5T प्लान का ऐलान किया है, जिसके तहत केजरीवाल सरकार ने 1,00,000 लोगों का रैपिड टेस्ट करवाने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने 30,000 मरीजों के लिए दिल्ली में पूरा इंतजाम भी करवाया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कोरोना को हराने के लिए वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि हम कोरोना से 3 कदम आगे रहें, क्योंकि अगर एक बार यह फैल गया तो इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। बंद के दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया टिकटॉक ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बंदी के ऐलान के बाद सभी लोग अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं अपने मनोरंजन के लिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से ऐप्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। मगर इसी बीच यह खबर सामने आई है कि बंद के दौरान सबसे ज्यादा टिकटॉक ऐप को लोगों ने इंस्टॉल किया है। खबरों की माने तो 2020 के मुकाबले अब तक इसका डाउनलोड 20% तेजी से बढ़ा है और अब इसके 49 मिलियन से ज्यादा नए डाउनलोड हो गए हैं। वहीं पिछले हफ्ते भारत में भी इसे खूब पसंद किया गया है और पिछले हफ्ते गूगल प्ले स्टोर के टॉप चार्ट में नंबर 1 पर था। ऋतिक रोशन और आमिर खान अब कोरोना की इस परिस्थिति में मदद के लिए आए आगे। बॉलीवुड के दो मशहूर कलाकार ऋतिक रोशन और आमिर खान अब कोरोना की इस परिस्थिति में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, जिसके तहत ऋतिक रोशन ने करीब 1.2 लाख दिहाड़ी मजदूरों को खाना खिलाने का ऐलान किया है। इसके तहत उन्होंने एक NGO से भी हाथ मिलाया है जो मजदूरों की मदद करता है। वहीं आमिर खान ने बिना बताए PM केयर्स और CM केयर फंड में राशि दान की है। सिर्फ ऋतिक रोशन और आमिर खान नहीं, इससे पहले अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की राशि दी थी। वहीं शाहरुख खान और सलमान खान ने भी कोरोना की इस परिस्थिति में मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सोनिया गांधी द्वारा दिए गए सुझाव से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।